अगर आप किसी को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो तो आपके लिए वीडियो देखना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नहीं चाहते कि बाद में आपको अफसोस करना पड़े और बहुत ज़्यादा हर्ट करना पड़े तो, क्योंकि दोस्तों आपको ऐसा लगता होगा कि मैं किसी के लिए ईमानदार हूँ, उनको खुश करने की हर संभव कोशिश कर रहा हूँ एंड उनके लिए बहुत एफर्ट लगा रहा हूँ, इसलिए मेरा पार्टनर भी मुझे बहुत प्यार करता है एंड ऐसे ही प्यार करता रहेगा। तो ये बात आपकी बिल्कुल भी गलत है, आपकी ये सोच एकदम गलत है, क्योंकि रियल में ऐसा नहीं होता। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी लोग आपको कभी वैसे ट्रीट नहीं करते जैसे आप उनको करते हैं, वो आपको हमेशा वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे आप अपने आप को उनके सामने प्रेजेंट करते हो। तो आपको साइकोलॉजी की कुछ चीज़ें समझनी चाहिए और उसके हिसाब से अपने पार्टनर के सामने अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए ताकि बाद में आपको रोना ना पड़े। नंबर वन चीज़ कि आपको कभी भी अपने पार्टनर के सामने ये नहीं दिखाना चाहिए कि आप उनको खोने से डरते हो। देखो, आप किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो तब आपके मन में स्वाभाविक सी चीज़ है कि इनसिक्योरिटी पैदा होती है कि वो आपको छोड़ के चला जाएगा, उनके बिना आप रह नहीं पाओगे एंड मतलब वो आपको छोड़ दे, इस तरह की ना बहुत ज़्यादा आपके अंदर इनसिक्योरिटीज़ होती है एंड आप बात बात पे वो दिखा देते हो। तो यही चीज़ होती है कि कैसे अपने आप को प्रेजेंट करो। अगर तुमने ये दिखा दिया कि तुम उनको खोने से डरते हो तो सामने वाले को जब पता चल जाएगा कि सामने वाला तो मुझे इतना प्यार करता है कि मुझे खोने से डरता है, यहीं पे उनके सारे एफर्ट ख़त्म हो जाएंगे। एक तरफ से कहूँ कि उनका इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जो इंसान उनको खोने से इतना ज़्यादा डरता है, कोई भी इंसान उनके लिए कोई एफर्ट नहीं करेगा, फिर वो आपको टाइम भी नहीं देगा, क्योंकि उनका इंटरेस्ट ही नहीं बनता ना यार। लोगों का इंटरेस्ट वहाँ पर बनता है जहाँ पर उनको लगता है कि सामने वाला मुझे कुछ ऐसा करो कि वो बहुत ज़्यादा प्यार करे। पर आपने तो दिखा दिया कि भाई आप इतना प्यार करते कि तुम्हें खोने से डरते हो। तो ये चीज़ जब तुम दिखा देते हो ना, तो सामने वाला ना तुम्हारे में जो भी उनका इंटरेस्ट होगा वो वहीं पर ख़त्म करके चला जाएगा। दूसरी चीज़ और बहुत ज़्यादा मायने रखने वाली चीज़ कि तुम्हें कभी भी ऐसा नहीं दिखाना चाहिए कि भाई हम तो लाचार हैं तुम्हारे लिए, कि हमारी लाइफ में ना हमें तुम चाहिए चाहिए, अगर तुम हमारी लाइफ में नहीं होगे ना तो हम लाचार हो जाएंगे, हम कुछ भी करेंगे तुम्हें अपने रिलेशन में रखने के लिए। तुम उनके सामने बेबस हो जाते हो, तुम अपने सामने अपने आप को एकदम लाचार दिखाते हो कि भाई तुम्हारे बिना तो हम जी नहीं पाएंगे, जैसे यार सांस नहीं होती और इंसान मर जाता ना, हमारी हालत तुम्हारे बिना ऐसी होती। इनफैक्ट हो सकता है कि आप किसी के बारे में इतना ज़्यादा इमोशनली चले गए कि उनके बिना आपको एक पल भी चैन ना होता हो, लेकिन ये चीज़ नहीं दिखानी। जब तुमने ये चीज़ दिखा दी कि भाई कम्प्लीटली हम तो लाचार है, तुम्हारे बिना हमारा चलेगा ही नहीं, तब वो क्या करेगा पता है? तब वो हर चीज़ अपने अकॉर्डिंग चलाएगा। ठीक है, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों के रिलेशन देखे कि जहाँ पर पार्टनर ना उस सामने वाले की लाइफ को कंट्रोल करता है, उनको कंट्रोल करता है, उनको पूरी तरह से ऐसे रखता है जैसे वो चाहता है, जैसे सामने वाला इंसान ही है ना, उनकी चॉइस है ना, उनकी पसंद नापसंद, उनको हॉट हो रहा है कुछ नहीं, जस्ट वो अपने हिसाब से चीज़ें करेगा, जो वो चाहता है वही करेगा। तीसरी और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ कि अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम उनको खुश करने की कोशिश कर रहे हो और उनके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हो, तो उसके बदले में वो भी तुम्हें खुश करने की कोशिश करेगा, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करेगा और तुम्हारा प्यार देखकर बड़ा ही खुश हो जाएगा। देखो दोस्तों, अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, उनके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हो, सामने वाले को अच्छा लगता है, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन कुछ समय के बाद वो जो तुम्हारे एफर्ट है, तुम्हारे प्यार है, उनका कोई मतलब उनके लिए नहीं रहता, फिर वो सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती, फिर वो सब कुछ उनके लिए ना पुराना हो जाता है, फिर इस चीज़ को वो हमेशा याद नहीं रखेगा, फिर वही प्यार वही केयर से उनको उबन आने लगती है। बस तुम्हें ना ये समझना चाहिए कि हम अपने आप को उनके सामने एक वैल्यूबल पार्टनर बन के कैसे अपने आप को प्रेजेंट करें। चौथी चीज़ और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ कि भाई हम किसी के अगर गोद में बैठ जाए तो हम कभी भी उस इंसान को अपनी कमी महसूस नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि हम एग्जैक्टली उनकी गोद में बैठे हैं। रिलेशनशिप की सारी चीज़ें ना बैलेंस के ऊपर मैटर करती है कि आप उनसे कितना नज़दीक रहते हो, कितना दूर रहते हो, कितना इमोशन दिखाते हो, कितना हाइड करते हो, कितना इग्नोर करते हो और कितना स्पेशल फील करवाते हो। आपको इन सारी चीज़ों का एक बैलेंस बनाना होता है। आप हमेशा उनके साथ रहते हो, उनके लिए बहुत एफर्ट लगाते हो, कभी भी उस इंसान की पर्सनल लाइफ में उन्हें पेश ही नहीं देते, ठीक है, तो वो इंसान ना बहुत जल्दी आपसे बोर हो जाएगा। एक पेस मेंटेन करना, उनसे थोड़ी सी एक दूरी बनाकर रहना रिलेशन में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ क्या होता है कि उनका आप में आज कितना भी इंटरेस्ट क्यों ना हो, ठीक है, अगर प्रॉपर एक पेस मेंटेन नहीं होती किसी भी रिश्ते में तो वो जल्दी ही बोरिंग बनेगा, उसमें प्रॉब्लम्स आना बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है।
तो दोस्तों ऐसे ही मैंने एक ईबुक लिखी है साइकोलॉजी ऑफ रिलेशनशिप, जिनमें मैंने ऐसी टिप्स बताई है, बहुत डिटेल से बताई है कि अपने पार्टनर के सामने आपको अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, ताकि हमेशा आप उनके सामने अपनी एक आइडेंटिटी बना सको, सही तरह से पेश कर सको और आपका पार्टनर हमेशा आपको प्यार करे। इस वीडियो में मैंने आपको जो टिप्स बताए उनको ज़रूर अपने रिलेशन में आपको अप्लाई करना है। एंड आप उस ईबुक को डाउनलोड करना चाहते हो तो उनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। अब आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करो, और ऐसे वीडियो और फ्री में देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।